हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवली केक्स। आज हम बना रहे हैं बेबी शार थीम केक। यहाँ पे मैं 2 बैचेस में स्पॉन्ज बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स वनीला प्रीमिक्स ले लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और फिर मैंने 1/2 कप वाटर से इसे मिक्स कर लिया है और एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बना लिया है। अब हम अपना 7 इंच का टिन लेंगे, इसे हमने ग्रीस किया है और इस पर मैदा डस्ट कर दी है। इसके बाद हम इस बैटर को इसमें पोर कर देंगे और हम 10 मिनट्स के लिए तवा को प्री हीट कर लेंगे और उसके बाद हम 35 to 40 मिनट्स अपना केक बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बार स्पॉन्ज बेक किया था, एक में 200 ग्राम्स बैटर लिया था और एक में 250 ग्राम्स बैटर लिया था। अब हम इसे साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 200 ml व्हिप क्रीम लूँगी। मैं इसे भी 2 बैचेस में ही व्हिप करूँगी। अब मैं यहाँ पर ट्रोपोलाइट की प्रीमियम क्वालिटी की व्हिप क्रीम ली है। व्हिप क्रीम यूज़ करने से पहले आप इसे फ्रिज में निकाल लीजिए, ये मेल्टिंग फॉर्म में ही होनी चाहिए। और इसे पैक करने का तरीका ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसे पैक करना है, फिर एक पॉली में कवर करके आप इसे डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब हम अपनी क्रीम को स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसे फ्रिज में रख देंगे, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकालेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर केक की लेयर्स कट कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने ब्रेड नाइफ से एक निशान बना लिया है कि कहाँ मुझे कटिंग करनी है। उसके बाद मैं थ्रेड से लेकर इस तरीके से पूरे स्पॉन्ज के अराउंड आप थ्रेड को घुमाइए और इसे पुल कर लीजिए। इससे आपकी लेयर्स बहुत क्लीन कट होंगी, कोई भी क्रम्स नहीं निकलेंगे। तो देखिए, सेकेंड लेयर भी मैं इस तरीके से करूँगी कि सबसे पहले हमें इस पर निशान लगाना है कि आपको कहाँ से लेयर कट करनी है। मार्किंग करने के बाद अब थ्रेड से ही हम इस लेयर को भी अच्छे से कट कर लेंगे। अब देखिए, हमारी ये लेयर बहुत अच्छे से कट हुई है। अब हम यहाँ पर देखिए, व्हिप क्रीम जो मैंने फ्रिज में रख दी थी उसे मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है। हाफ जो मुझे यूज़ नहीं करनी अभी, वो मैंने फ्रिज में ही रखी हुई है। अब मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी केक बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश इसमें ऐड करूँगी। ये क्रीम मैं फिलिंग में यूज़ करूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 स्पून स्ट्रॉबेरी क्रश इसमें ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश और वाटर को मिक्स करके सोकिंग वाटर बनाएंगे। इससे ही मैं अपना केक सोक करूँगी। अब एक पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पर क्रीम फिल कर ली है और देखिए, सबसे पहले अपनी बेस लेयर इसमें हम लगाते हैं। अब हम स्ट्रॉबेरी क्रश एंड वाटर का जो मिक्सचर बनाया था उससे हम अपने स्पॉन्ज को सोक करेंगे। अब हम यहाँ पर क्रीम की एक लेयर लगाएंगे और इसे स्पैचुला से इवन कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी क्रश की एक लेयर लगाऊंगी और इसे भी हम स्पैचुला से सला लेंगे। और इसी तरीके से पूरा केक मैंने बनाया है और इसे 1 घंटा हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा है। अब हम यहाँ पर रोज़ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रीम में पिंक कलर का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं पिंक एंड ब्लू रोज़ बनाऊँगी। इन रोज़ को भी बनाकर मैंने फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए पिंक एंड ब्लू रोज़ बनाकर तैयार कर दिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी रोज़ बनाकर केक डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने केक 1 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है क्रम कोटिंग के बाद। अब मैं इसकी फाइनल लेयरिंग कर रही हूँ। तो मुझे ये बेबी शार थीम केक बनाना है, तो मैं यहाँ पर 1/2 पिंक एंड 1/2 ब्लू यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से हमें इसकी फिनिशिंग देनी है साइड की। तो देखें, यहाँ पर अब ब्लू कलर का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर 1/2 केक ब्लू करते हैं। तो स्पैचुला से मैंने काफ़ी इसे क्लीन किया है और जब अगर क्लीन नहीं होता है ना, तो आप अपना स्पैचुला थोड़े से हॉट वाटर में डिप कीजिए, फिर इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो इसके बॉर्डर्स थे उसमें यहाँ पर मैंने स्टार नूडल से डिज़ाइन बना दिया है। अब जो हमने रोज़ बनाए थे वो रोज़ हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 रोज़ बनाए थे और इस तरीके से हमने रोज़ प्लेस कर दिए हैं। लास्ट में यहाँ पे जो गोल्ड फुसफुस जो होती है उससे मैं केक में थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट दूंगी। इसके बाद एक केक बहुत सुंदर लग रहा था और देखिए, इस तरीके से हमने इसे बना दिया है। अब यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड का यूज़ करके सिलिकॉन मोल्ड्स में कुछ बॉय और गर्ल्स के इनिशियल्स बना लिए थे और कांट वेट टू सी भी बनाया था, जो लास्ट में अभी आपको दिखेगा। तो रेडी है हमारा बेबी शार्क थीम केक और ये है मेरा केक का फाइनल लुक।